सो जी वेलकम अगेन पीएमवी पार्क मॉडिफाइड व्हीकल्स। आज हमने जिस बाइक का प्रोजेक्ट करना है वो ये बाइक है, जिसको हमने पहले ऑलरेडी एक डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील्स का सेटअप लगाया हुआ था, लेकिन हमें क्योंकि प्रोजेक्ट आया था और एक चैलेंज था हमारे लिए, तो हमने उसको बाइक को जो ये वाला बाइक था GS150 उसको हमने बिल्ड करना था। वेलकम प्रोजेक्ट, ये हमारे पास अचानक से एक बाइक हमने बिल्डअप करने के लिए हमारे पास आया है। उसके हमने पहले की भी कुछ शॉट्स बनाई हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अगर अभी इस बाइक की ये कंडीशन है, इससे इसका फ्रेम चॉप हो रहा है, यहाँ से फ्रेम चॉप होगा यहाँ से यहाँ तक। इसको हमने ऑलमोस्ट 4 इंच जो है शॉर्टर करना है, 4 इंच तकरीबन हम इसको कम करना है। ये इसका टैंक है जिसकी साइड पर जो है अभी इसका काम चल रहा है, साइड पंच का ठीक हो गया। जो फ्रंट मडगार्ड है उसका भी काम अभी इन प्रोसेस है, ठीक हो गया, ये भी काम चल रहा है। बाकी जो पेंट वगैरह का सामान है वो भी हमने साइड पे कर लिया, जैसा कि ये रेयर शॉक्स आ गई, ये फ्रंट शॉक आ गया। बाकी जो जो फालतू चीज़ें हमारे लिए भी इस वक्त जो साइड कवर्स हमने यही लगाने हैं, ब्रेक प्लेट यही लगेगी, और जो कुछ सामान है पेंट के लिए जा चुका हुआ है। तो बस स्टे ट्यून, और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जो है ना, बस एक चैलेंज मिला था हमें, तो आप लोगों ने बस सपोर्ट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। चैलेंज मिला था, हम चैलेंज कम्प्लीट कर रहे हैं जस्ट ये, तो इंशाल्लाह अब आपको जस्ट न्यू लुक्स दिखाते हैं। फ्रेम चॉप्ड, अभी वाला फ्रेम हम वापस इस जगह रख के वेल्ड करेंगे। जी तो इस वक्त आप देख सकते हैं जो टैंक है वो इसकी ग्राइंडिंग चल रही है, इसकी फिनिशिंग के लिए, ठीक है जी, ताकि इसकी फिनिशिंग होगी तभी जो है पुटी इस पर कम लगेगी। और ये आप देख सकते हैं फ्रेम का जो वर्क है वो हो चुका है, फ्रेम यहाँ से हमने छोटा किया, छोटा करके यहाँ तक जो है हमारी सीट आएगी, ठीक है जी, ये जगह हमारी सीट के लिए यूज़ हो जाएगी, और इससे आगे हमारा जो टैंक है वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है जी। अभी इसकी ग्राइंडिंग चल रही है, बाद में जाएगा पेंट वर्क के लिए टैंक। सो यहाँ पर जो है हमारा सीट पैन जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब आपको रख के दिखाते हैं कि सीट पैन कैसा लग रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में है। जो व्हील्स है वो हमारे जा चुके हैं, ये जो है अभी हमें पेंट टेस्टर के तौर पर हमें भी मिला है, ये भी पेंट टेस्ट हमने किया है कि हाँ हमारा शेड कैसा दिख रहा है। अगर ये फाइनल होता तो हम आके इसको लेकर चलते हैं। उसके बाद जो है पेंट हमने करवाया है टैंक पर, ठीक है जी, टैंक और जो है साइड कवर्स आप देख सकते हैं पेंट होके आ चुके हैं, बाकी सारा सामान, और ये पेंटर जो है अपने हाथ से पेंट उतार रहे हैं। तो ये भी जो है पेंट की कुछ फाइनल शेड जो हमारा दिखेगा, जो हमारा फ्रेम और इंजन है वो पेंट होके आ चुका है, ब्लैक पार्ट्स वो पेंट होके आ चुके हैं। ये है जी हमारा फाइनल शेड आर्मी ग्रीन कलर। सो हेयर आर दीज पैंथर PT888 जो एक्सक्लूसिवली, ये टायर अभी ब्रांड न्यू हैं, ऑब्वियसली नज़र तो आ रहे हैं लेकिन ये न्यू लॉन्च हुए हैं, ये टायर्स अभी लॉन्च होने हैं एक्सक्लूसिवली हमें इस प्रोजेक्ट के लिए। जो दिखाएं ज़रा, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें मिले हैं, अभी आपको सारा दिखाएंगे प्रोजेक्ट, इसके लिए टायर्स हमें मिले हैं ये, अब आपको खोल के दिखाएंगे टायर दिए वाले। याद रहे ये जो टायर्स हैं ये अभी मार्केट में नहीं आए, ठीक है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमें मिले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। ये टायर्स हैं, ये देखिए ये टायर हैं, ये ट्यूबलेस है लेकिन क्योंकि इस बाइक में ट्यूब टाइप स्पोक रिम्स हैं तो ये जो टायर्स हैं ये अभी इसमें लगेंगे। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक आपको पता लग जाएगा ये टायर्स जो हैं कौन से बाइक में लग रहे हैं, और ये इसको कौन लॉन्च करने वाला है इन टायर्स को, तो ये आपको मिल जाएगा अभी जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये जी टायर्स हैं, तो आपको पूरा दिखाते हैं इसका, लाइट छोड़ जी, ये टायर्स हैं, ये देखिए जी PT888 पैंथर 3.5018। एक है ये टायर्स के अंदर जो है ना देते हैं, ताकि टायर की जो लाइफ है ना, जो ब्रांड न्यू टायर है तो उसके साथ ये वाले जो है ना हुक्स आती हैं, ताकि टायर जो है ना चिपके नहीं। ये ट्यूबलेस है ना जी, ये तो ये है जी दोनों टायर्स का पेयर। तो ये कुछ लुक है, काफ़ी ऑफ रोड और काफ़ी एग्रेसिव लुक है इन टायर्स की, आप देख सकते हैं PT888 जो कि 3.5018 आता है। सो अब जो है टायर्स को हम ले आए हैं फिटिंग के लिए, रिम और टायर्स को नीचे हमने गत्ता रखा ताकि जो है रिम पर कोई स्क्रैच ना आए, ठीक है जी। अभी ये टायर फिट हो चुका है, अब इसमें हवा भरी है, अब इसको वापस लेकर जाएंगे शॉप पर और दिखाएंगे आपको बाइक में कैसा लग रहा है ये टायर।
तो ये बनी है जी बाइक, टायर्स लगने के बाद फाइनल लुक्स। ठीक है जी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अभी ये रफ लुक है, अभी इसमें एग्जॉस्ट लगना है और कुछ मज़ीद चीज़ें लगनी हैं। उसके बाद लगाने के बाद एग्जॉस्ट वगैरह और लाइट वगैरह लगाने के बाद हम इसको ले आए हैं बाइक को वॉशिंग पर, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक वॉश करके क्लाइंट को देते हैं, ताकि जो छोटे छोटे चीज़ के स्टेन्स होते हैं, ऑयल के स्टेन्स होते हैं, वो हम अच्छी तरह रिमूव करके दें। तो अच्छी तरह पहले जो है हमने पानी से धोया है इसको, उसके बाद शैम्पू से किया है। ठीक है, अब इसके बाद अच्छी तरह इसको जो है, इसकी देख सकते हैं अंदर अंदर तक जो है हमने इसके शैम्पू से वॉश किया है और सफाई कोई भी ऐसे पार्ट रहा नहीं, छोड़ा नहीं जहाँ पे कोई स्टेन या कोई चीज़ रह जाए। ठीक है जी, अभी टायर लगने के बाद काफ़ी ज़रा अग्रेसिव लुक आ रही है इस टायर की। ठीक है जी, अब इसको बाइक को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम आ गए हैं इसको डिलीवर करने के लिए अपने क्लाइंट को। तो ये है बाइक के कुछ फाइनल लुक्स और ये कुछ पिक्चर्स हमें मिलने का, पिक्चर्स लेने का मौका मिला था। तो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा प्रोजेक्ट, इसकी मेकिंग पसंद आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।